दोस्तों, अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, हम इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो जवान इंडियन आर्मी में भर्ती होता था उसकी सैलरी 21,700 मिलती थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम में जवान को हर साल सैलरी बढ़ते हुए मिलेगी। जैसे कि पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 33,000 रुपये और तीसरे साल 36,500 रुपये, लेकिन आप जब रिटायर होंगे चौथे साल आपको 40,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी कम मिलेगी, उसका एक बड़ा कारण है, वो ये है कि 30% फंड में चला जाएगा जो कि आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा, और उतना ही फंड आपको सरकारी या गवर्नमेंट फंड से मिलेगा। जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको 11,71,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। आप 11,71,000 रुपये विद इंटरेस्ट घर लेके जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आपको 18 लाख तक का लोन मिल सकता है, और जब तक आप अग्निवीर हो तब तक आपको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिलेगा। इसमें बैचलर डिग्री भी आपको मिलेगी, साथ साथ नौकरी और साथ साथ पढ़ाई भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें इनरोल मिलेगा 3 साल का बैचलर डिग्री में, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का इग्नू के साथ MOU साइन होगा, जिसमें कि बैचलर डिग्री में आपको ऑप्शन है कि फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिलेगी। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ मार्क्स की तो आपको 50% में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मार्क्स मिलेंगे और इसमें पढ़ाई की जाएगी, और बाकी बचा 50% में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई भी मिलेगी। अगर आप ऑन ड्यूटी विकलांग होते हैं तो आपको एक्स ग्रेसिया में 54 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको पर्सनल पैकेज भी मिलेगा, साथ ही सेंट्रल पुलिस CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में आपको 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व मिलेंगी, साथ ही CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में एज लिमिट की भी छूट मिलेगी। अग्निवीर स्कीम में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में टोटल 46,000 सैनिकों की भर्ती होगी, और इतना ही नहीं अग्निपथ स्कीम में आगे चलकर महिलाओं को भी भर्ती का मौका दिया जाएगा।